दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ड्रीम इलेवन में कैसे 1 करोड़ रुपया जीत सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं और उनका टारगेट रहता है कि भाई मैं यहाँ पर से 1 करोड़ रुपया जीतूँ या 1.5 करोड़ रुपया जीतूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप ड्रीम इलेवन में सही तरीका से और नंबर 1 वाली टीम बना करके आप इसमें टीम लगाते हो तो आप यहाँ पर से 1 लाख रुपया जीत सकते हो। जैसे देख लो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ड्रीम इलेवन में, आखिर ये किस प्रकार से टीम बनाते हैं ताकि यहाँ पर से ये लोग जो यहाँ पर से 1.5 करोड़ रुपया जीत लेते हैं और कभी कभी 2 नंबर पर। यहाँ पर इस बार जो टाटा IPL की तरफ से जो प्राइज रखा गया है, यदि आपका 1 नंबर रैंक आता है तो आप यहां पर से 1.5 करोड़ रुपया जीत जाओगे, यदि आपका 2 नंबर रैंक आता है तो आप यहां पर से 30 लाख रुपया जीतोगे, यदि आपका यहां पर से 3 नंबर रैंक आता है तो आप यहां पर से 7.5 लाख रुपया जीत सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ड्रीम इलेवन में सही तरीका से टीम बना करके आप यहां पर से 1 लाख रुपया कैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ज्यादा नहीं 4 से 5 मिनट वक्त देते हो तो मैं आपको सही प्रकार से ड्रीम इलेवन के अंदर में आपको टीम क्रिएट करने के बताऊंगा और यहां पर से आपका काफी ज्यादा चांस रहेगा कि आप यहां से 1 लाख रुपया जीत सकते हो। दोस्तों आप जब तक कि आप ड्रीम इलेवन में सही तरीके से टीम नहीं बनाओगे, 1 नंबर रैंक वाली टीम नहीं बनाओगे, तब तक आप यहां पर से पैसा नहीं जीत सकते हो। दोस्तों और आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं ये गारंटी नहीं देता हूं कि आप 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया जीत ही जाओगे, लेकिन मैं यहां पर से अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और आपको सही प्रकार से टीम बनाने के बताऊंगा और हो सकता है तो आप यहां पर से पैसा जीत सकते हो आसानी तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हो आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर से अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको पूरा बारीकी से बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पर से अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ और आप पूरा ध्यानपूर्वक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो आज का जो मैच होने जा रहा है वो CSK वर्सेज यहाँ पर से किंग्स इलेवन पंजाब के बीच होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिखाई देता होगा यानी क्रिएट टीम का ऑप्शन, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर से क्रिएट टीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ड्रीम इलेवन में टीम बनाने से पहले आपको पिच रिपोर्ट मालूम होना चाहिए कि पिच रिपोर्ट कैसा रहता है, बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। दोस्तों ये सभी आप मालूम रहेगा तभी जाकर के आप ड्रीम इलेवन में सही तरीके से टीम बनाओगे और यहाँ पर से 1 लाख रुपया जीत सकते हो। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर से एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको फैन कोड एप्लीकेशन पर चले जाना और वहाँ पर से आपको मालूम हो जाएगा कि यह जो पिच है वह बैटिंग पिच है या बॉलर पिच है। तो दोस्तों यहाँ पर से जैसे आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर से 11 प्लेयर जो है सेलेक्ट करना। तो दोस्तों यहीं पर से बहुत सारा लोग गलती कर देते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है विकेट कीपर कितना लेना है, बैट्समैन कितना लेना है और साथ में ऑलराउंडर्स कितना लेना और बॉलर कितना लेना है, ये सभी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना कि सबसे पहले कोई भी मैच होता है तो आपको एक ही विकेट कीपर को सेलेक्ट करना है। आप ज्यादा विकेट कीपर को सेलेक्ट करोगे तो आप यहां पर से पैसा तो नहीं जीत पाओगे, तो आपको एक विकेट कीपर को ले लिया। और दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो जिनका जो पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा रहता है और जिनको चलने का चांस रहता है उसी हिसाब से आपको विकेट कीपर सेलेक्ट करना है और आप ड्रीम इलेवन में। तो यहां पर से देख सकते हो मैंने जो यहां पर से एक ही विकेट कीपर लिया, उसके बाद मैं यहां पर से बैट्समैन पर जाता हूं। और दोस्तों बैट्समैन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर से जो बोला है बैट्समैन सेलेक्ट करने के लिए ऐसे 1 से 3 से लेकर 6 नंबर तक के यहाँ पर से आपको बैट्समैन जो वह सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो दिखाई देता होगा यहाँ पर से बैट्समैन सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट देखना है और उसी हिसाब से आपको ड्रीम इलेवन में जो वह टीम को सेलेक्ट करना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर शिखर धवन की बात करें तो 83 है, मयंक अग्रवाल को यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा 53 है, उसके बाद आप देख सकते हो अंबती रायडू को यहाँ पर से आपको 77 मिल जाता होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर से नजर आता होगा रॉबिन उथप्पा को यहाँ पर से 118 है। तो दोस्तों आपको T20 क्या लीग होता है उसमें ज़्यादा नहीं आप 3 विकेट यहाँ पर से आप 3 बैट्समैन ले सकते हो या अधिकतम से अधिकतम आप ले सकते हो 4 बैट्समैन, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं यहाँ पर से 5 ले लेते हैं, कभी कभी 6 ले लेते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पर से तो पैसा बिल्कुल ही हार जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो बैट्समैन लेना है आप 3 ही बैट्समैन लेकर के चलोगे, यही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन दिखा देता हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन पर जाने के बाद आपको इसमें से कितना ऑलराउंडर्स लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हो आपको बोलता होगा यहाँ पर से जो ऑलराउंडर्स सेलेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 4 ऑलराउंडर्स आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको 1 से 4 ऑलराउंडर्स सेलेक्ट करना है, तो आपको कितना ऑलराउंडर्स सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों T20 का लीग में आपके लिए ऑलराउंडर्स ही काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। लोग क्या करते हैं एक ही ऑलराउंडर्स लेकर के और क्या करते हैं यहाँ पर से 5 बॉलर को उठा लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर से T20 का लीग है और ऑलराउंडर्स को यहाँ पर से मौका मिलता है, साथ में इनको 2 मौका मिलता है, 1 बैटिंग से मिलता है और साथ में प्लस में इनको जो बॉलिंग से मौका मिलता है। तो दोस्तों ऑलराउंडर से एक ये फायदा होता है यदि बैटिंग से नहीं चलते हैं तो इनको बॉलिंग में ये परफेक्ट है जो 1 आध विकेट ले ही लेते हैं। तो आपको कितना ऑलराउंडर्स लेना है, तो दोस्तों आप 3 ऑलराउंडर्स आपका प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पर से जो ड्रीम इलेवन में अच्छा खासा पैसा जीत सकते हो और आप यहाँ पर से नंबर 1 वाली टीम बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो मैंने जो ऑलराउंडर सेलेक्ट किया 1 मोइन अली, रविंद्र जडेजा, उसके बाद लिविस्टन, आपका कोई मैच होता है तो उसमें आप 3 ऑलराउंडर्स सेलेक्ट
पड़ोगे तो आप यहाँ पर से अच्छा खासा पैसा और आपका जो टीम है वह विनिंग जोन में रहने का और यहाँ पर से आपको पैसा जीतने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर से बॉलर दिखा देता हो, तो चलिए मैं यहाँ पर से बॉलर पर सेलेक्ट कर देता हूँ और बॉलर आपको बोलता, देख सकते हो दोस्तों T20 का लीग मैंने बॉलर का जो गैप छोड़ा हुआ चार, तो दोस्तों मैं यहाँ पर से जो बॉलर सेलेक्ट करूँगा वह चार बॉलर को सेलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जो तीन बॉलर हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर से चार बॉलर पर क्लिक कर दिया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर से शुरू से आपको बता देता हूँ। तो विकेट कीपर आपको कितना सेलेक्ट करना, एक विकेट कीपर होना चाहिए आपकी टीम में। उसके बाद मैं बैट्समैन पर जाता हूँ। बैट्समैन पर जाने के बाद आपको जो यहाँ पर से बैट्समैन होना चाहिए तीन से लेकर के चार होना चाहिए, और आप यहाँ पर से पांच बैट्समैन रखते हो तो आपके लिए ये रॉन्ग साबित हो सकता है। उसके बाद आपको ऑलराउंडर्स रखना है, तो दोस्तों ऑलराउंडर्स से आपको बैटिंग प्लस यहाँ पर से आप बोल सकते हो बैटिंग, और साथ में इनको बॉलिंग का दो मौका दिया जाता है। तो दोस्तों इनके पास जो मौका रहता है वो दो रहता है, यदि ये बैटिंग से नहीं चलते हैं तो यहाँ पर से ये बॉलिंग से फिक्स जो चलेंगे, तो आप इनसे दो मौका लगा सकते हो, एक बैटिंग से प्लस में इनको एक बॉलिंग से। तो दोस्तों आपके लिए तीन ऑलराउंडर्स T20 लीग में होना चाहिए, और आप बॉलर लेकर के कितना चलोगे, चार बॉलर लेना चाहिए। और दोस्तों आपको जो बॉलर लेना है चार, वह किस प्रकार से लेना है आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने जो यहाँ पर से सेलेक्ट किया हूँ एक CSK की तरफ से, तो आपको होना चाहिए एक यहाँ पर से किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। इसी प्रकार से जैसे दो आप CSK की तरफ से बॉलर को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको दो सेलेक्ट करना है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। तो दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको दो होना चाहिए बॉलर सेक्शन से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ, क्योंकि दो विपक्षी टीम का बॉलर रहना आपके टीम में काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि विपक्षी टीम का और साथ में विरोधी टीम का दोनों का यहाँ पर से रहेगा, तब जाकर के आप यहाँ पर से अच्छा खासा पैसा विन कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बोलता होगा भाई यहाँ पर से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपको जो कैप्टन सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर दिया हूँ रॉबिन उथप्पा को, तो दोस्तों रॉबिन उथप्पा जो खिलाड़ी है वह CSK की तरफ से, और VC जो आपको सेलेक्ट करना है वह किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से सेलेक्ट करना है। हो सकता है आपका कोई भी मैच हो सकता है, जैसे यहाँ पर से DC वर्सेज हो सकता है, आपको MI के बीच भी हो सकता है, तो आपको एक जो सेलेक्ट करना है कैप्टन, यदि सेलेक्ट करो DC का, तो आपका VC जो होना चाहिए वह MI की तरफ से होना चाहिए। तो मैंने जो सी सेलेक्ट किया हूँ रॉबिन उथप्पा को, तो ये जो है CSK की तरफ से, तो मैं VC किनको बनाऊंगा, जैसे आप बना सकते हो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, आप शिखर धवन को भी बना सकते हो, नहीं तो आप एक बॉलर सेक्शन से भी उठा करके बना सकते हो, क्योंकि बॉलिंग में होता क्या, यदि ये एक विकेट ले लेते हैं तो इनको एक विकेट का जो पॉइंट मिलता है ड्रीम इलेवन में 25 पॉइंट, यदि आपका कैप्टन है तो इनको डायरेक्टली जो हुआ 50 पॉइंट दे देता है, और ये चार विकेट ले लेते हैं। जैसे देख लो दोस्तों यहाँ पर से, यदि ये चार विकेट ले लेते हैं, यदि राहुल चौहान यहाँ पर से चार विकेट लेते हैं, इनको जो डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएगा वह 200 मिल जाता है, यदि आपका यहाँ पर से कैप्टन रहता है और अच्छा खासा बॉलिंग करता है तो बॉलिंग का प्लस पॉइंट यहाँ पर से मिल जाता है, तो आप यदि आपका कैप्टन रहता है तो 280-270 पॉइंट आसानी तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से सेव टीम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव टीम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से अपना माई टीम पर जाता हूँ और आपको मैं अपना टीम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जो टीम है वह कुछ इस प्रकार से, मैंने विकेट कीपर कितना सेलेक्ट किया हूँ एक किया, उसके बाद आपको बैट्समैन दिखा देता हुआ यहाँ पर से तीन बैट्समैन है। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर से देख सकते हो ऑलराउंडर्स जो है वह ज़्यादा नहीं, तीन ऑलराउंडर्स लिया। सेम आपको इसी प्रकार से बनाना है, जैसे देख सकते हो मैं अपना टीम का बैलेंसिंग किस प्रकार से किया हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा दो और दो चार यहाँ पर से मेरा जो बैट्समैन है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जब टीम बनाओगे तो आपको यहाँ पर से ड्रीम इलेवन में अच्छा खासा पैसा जीतने का चांस रहता है, जो एक नंबर रैंक लाते हैं। सेम इसी प्रकार से टीम बनाते हैं और मैं भी बनाता हूँ, और यहाँ पर से मैं अच्छा खासा पैसा ड्रीम इलेवन से अभी भी जीत रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा जो टीम फाइनल मिलता है वह टेलीग्राम पर चैनल पर मिलता है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे और आपको जो टीम मिल जाता है वह शाम करीबन आपको 7-10 में आपको यहाँ पर से टीम मिल जाएगा। तो दोस्तों जाइए जल्दी से, ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाते हो तो आपको फाइनल टीम में टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ 7-10 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।